आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मेरठ के ब्लॉक जानी खुर्द में स्थित ग्राम सिसोला खुर्द पड़ा। लगभग 3000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 3 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान सिद्धयाल सिंह हैं। लगभग 1800 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर गांव में पहुंचने वाली सुविधाओं की जाए तो ग्राम प्रधान द्वारा सभी सुविधाओं का लाभ लाभार्थियों को पहुंचाया जा रहा है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 160 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 40 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए 98 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व 30 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने गांव में एक इंटर कॉलेज, सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, गरीबों के लेन, जूनियर हाई स्कूल का फर्ज, चार दीवारी तथा शौचालय एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में शौचालय का निर्माण सरकार के सहयोग से कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में बारात घर व शमशान घाट की बाउंड्री, कन्या इंटर कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र, पशु चिकित्सालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम शिवदयाल सिंह, प्रधान ग्राम सिसोला खुर्द, ब्लॉक जानी, डिस्ट्रिक्ट मेरठ। हमारे गांव में 2 वर्ष के अंतर्गत जो मलिन बस्ती है, वंचितों की बस्ती है, उसमें खड़ंजे का निर्माण करा दिया गया है और मेन रोड पर जो रास्ता आर पार होता है उसमें भी इंटरलॉकिंग करा दी गई है। स्कूल के अंदर बच्चों के टॉयलेट, शौचालय, जूनियर और प्राइमरी में दोनों में ही बनवा दिए गए हैं। बिल्डिंगों पर जो है बच्चों के लिए उनके पठन पाठन हेतु दीवारों पर शिक्षाप्रद स्लोगन लिखवाए गए हैं तथा दीवारों पर साज सज्जा अच्छी तरह से लिखवा दी गई है। स्कूल के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्रांकन तथा महात्मा गांधी जी का चित्रांकन करा करके पेड़ पौधों से दीवारों को भली भांति अलंकृत कर दिया गया है और कक्षाओं में जो कक्ष हैं उसमें बच्चों के जैसे उनके पहाड़े हैं, गिनतियां हैं, पक्षियों के नाम हैं, वो पेंटर के द्वारा लिखवाए गए हैं। सभी गांववासियों के अधिक से अधिक जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रख करके गांव में विकास कार्य जारी हैं तथा हमारे गांव के अंदर जो शेष नाली और खड़ंजे रह गए हैं उनको बनाने के लिए भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। अब सबसे पहले हमारे गांव के अंदर जैसे कि और गांव के अंदर दलित बस्तियों में बारात घर हैं, वो हमारे गांव के अंदर दलित बस्तियों में कोई बारात घर नहीं है, जिसकी वजह से गरीब दलितों के लिए बारात घर न होने के कारण उनको दूसरों के यहाँ पर अपनी बारातें रुकवाना पड़ता है, जिससे काफ़ी मशक्क़त या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले यदि सरकार हमारे यहाँ एक बारात घर के लिए पैसा भेजे तो ये अच्छा रहेगा कि जो है इन वंचित लोगों के लिए जो बारात घर हैं उनका निर्माण हो सकेगा। और बहुत सारा ऐसे मसले हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है पशुओं का अस्पताल नहीं है, पशुओं के अस्पताल के लिए भी यहाँ पर जो है
होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ गांव की जनसंख्या और जो है गांव के जो है रास्तों को नजर रखते हुए गांव के अंदर अभी विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमारे गांव के अंदर जूनियर हाई स्कूल तक हैं, लेकिन लड़कियों का कोई स्कूल जो है इंटर कॉलेज तक का नहीं है। यदि सरकार इस ओर ध्यान दे और यहाँ पर एक इंटर कॉलेज की स्थापना हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे जो है एक दूसरा गांव, दो गांव है, सिसोला बुजुर्ग और एक सिसोला खुर्द। हम सिसोला खुर्द के हैं और सिसोला खुर्द में और बुजुर्ग में दोनों में ही कोई भी लड़कियों का स्कूल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार यदि जो है लड़कियों का एक स्कूल यहाँ स्थापित कर दे तो लड़कियों को जो है बाहर जाना नहीं पड़ेगा और यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सकेंगी।